जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको नवग्रह सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ये देखिए, जब भी आप इस पाठ को आप करेंगे तो आपके कैसे भी ग्रह क्यों नहीं हो, बिगड़े हुए अंतर जिनकी अंतर दशा, माँ दशा, प्रत्यंत दशा क्यों नहीं हो, उनमें आपको सबको आपको इन ग्रहों का लाभ मिलेगा और आपके सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। इसको आप सुबह या सायकाल जब भी आप पढ़ सकते हैं, जब भी आप सुन सकते हैं, आप सुनिए। जब भी आप मंदिर में, देवालय में, अपने व्यापार स्थल में या पूजा स्थान करते हैं, तब आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तब भी आप इसे कर सकते हैं। जब आप पीपल के वृक्ष में जल, दूध, गंगा जल डालते हैं तब भी आप इसको पाठ पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। या शिव जी पर आप जब शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल दिन पंचामृत, तब भी आप इसे पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। या पीपल या आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। आप किसी भी वर्ग के क्यों नहीं हो, पंजाबी, मराठी, गुजराती या जैनी, जो भी हो, इस सारे बस नवग्रह सूत्र का पाठ पढ़िए, सुनिए, देखिए आपके सारे ग्रह किस प्रकार से आपके अनुकूल हो जाते हैं। इसका पाठ इस प्रकार से है। जपा कुसुम सकाशम हरिदम दमोरियम सर्पापर प्राणियोसम दिवाकरम दधी शंगजारम शिरणोदासमपरम नमामि शंभुगुणम शंभुगुणम भूषणम धरणी गर्भ विदुदासमप्रभम कुमाचदीयम मंगलम प्रणमाम्यम। ओम प्रियगुलिकासाम्यम रूपेणाम बुद्धबुदुम सौम्यम सौम्य गुणमदंतम बुद्धम मम प्रणमाम्यम। देवानादिना च गुरुकान्यं सम्मिनं बुद्धिपितरो केतन् नमामि बृहस्पतिं हिमकुण्डमणालाभं दित्यार्भारप्रदं गुरु गुरु सर्वसाद्वरभार्गं मम प्रणमाम्यम्। नीलाञ्जा सभापत्ता रविपुत्रं जजागजं छायामार्दं तुं समुगं त नमामि शनिचरम्। अर्धगाय महावीरं चन्दनावृतनं सिंहकारभूतराहुं मम प्रणमाम्यम्। पलाश पुष्प सकारा तारा रोद रोदात्म घोर्द केतु प्रणमाम्यम। इति वायु सुखम दीत पठन्न समायतम दिव्य वायति यात्रो रात्रो विघ्न शांति भवन शांति नरणानी पवाता भवे दुख नाशन ऐशर तुल्यम तेषाम आरोग्य पुष्टिवर्धनम। हर प्रकार के शरीर के दुख को दूर करता है।